आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मीन राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की पूजा किस तरह से करनी चाहिए कि भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको रुद्राभिषेक किस चीज से करनी है भगवान शिव की। हम आपको मीन राशि के मंत्र भी बताएंगे कि किस मंत्र को पढ़ने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होंगे। इस साल महाशिवरात्रि 4 मार्च को और दिन है सोमवार। महाशिवरात्रि का पर्व शिव और देवी पार्वती के शुभ विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। शिवरात्रि का यह महापर्व न केवल भारत में बल्कि विदेशों में ही मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल फाल्गुन मास में आता है, जो सामान्यतः अंग्रेजी महीने के फरवरी या मार्च में पड़ता है। महाशिवरात्रि को शिवलिंग की पूजा यदि आप राशि अनुसार करते हैं तो आपको अति शीघ्र फल मिलता है। हम बात कर रहे हैं मीन राशि की, तो मीन राशि के जो स्वामी है वो बृहस्पति देव हैं। तो मीन राशि के जातकों को पंचामृत पीले रंग के फूलों से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए, मतलब पंचामृत और पीले रंग के फूल आपको अर्पित करें। 108 दफा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। मीन राशि के जो जातक हैं वो शिव पूजन में बेर, शिव पूजन जब आप करेंगे तो बेर, बेर को बोर भी बोलते हैं बहुत जगह पे, तो शिव पूजन में बेर केला और मौसमी ये जरूर चढ़ाने चाहिए। मंत्र मैं आपको बता देता हूं मीन राशि वाले, जितना हो सके उतनी बार ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना है। मैं मंत्र वापस बोल देता हूं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस तरह से इस मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर शनि देव की तिरछी नजर नहीं लगेगी। मंत्र कम से कम 108 दफा पढ़िएगा, उस दिन आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमाल की बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। मीन राशि वाले एक और छूट है आपको, शिवलिंग पर आप जल मिश्रित दूध आप चढ़ा सकते। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का यदि पाठ करते हैं तो और भी बहुत अच्छा, सोने भी सुहा, इससे भगवान शिव का आशीर्वाद जो है आप पर बना रहेगा। अब हम रुद्राभिषेक आपको बता देते हैं। देखिए अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्नान करना या करना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र की अभिषेक। भगवान शिव को रुद्र कहा गया है और उनका रूप शिवलिंग में देखा जाता है, तो इसका अर्थ हुआ शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक करना या फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक करवाना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जल धारा प्रिय माना गया है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस चीज से रुद्राभिषेक करना है मीन राशि के जातक। आप गन्ने का रस शहद और दुग्ध से उनका रुद्राभिषेक कीजिए। आप तीनों को एक साथ मिलाकर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।